हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट विथ एनसीईआरटी में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा है, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल और प्रागैतिहासिक काल, तो ये टॉपिक आज हम ख़त्म करने वाले हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आपके आने वाले एग्जामों में इन क्वेश्चनों से बाहर कोई भी नहीं जाने वाला है, क्योंकि मैंने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा है। दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी कमिटमेंट किया था कि एनसीईआरटी हो चाहे जो अभी तक के आए हुए रिपीटेड क्वेश्चन हो, मैंने सबका अपने नोट्स में बहुत ध्यान रखा है दोस्तों। तो ये नोट्स सब आपके लिए ही बनाए, समझिएगा। आने वाले एग्जाम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। और अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ एंड तक बने रहिएगा, मेरी वीडियोज़ जरूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपको आने वाले अपकमिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और आपको इधर उधर से आप पढ़ते हो, ठीक है, अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन अगर आप मेरे चैनल से भी अगर थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर मैं आपके किसी काम आऊँ, और अगर आप फ्यूचर में कोई अचीवमेंट प्राप्त करें इसके बेस पे, मेरे क्वेश्चंस के बेस में। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो हमने यहाँ पे एंड किया था, प्राचीनतम सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है, आज सिक्के। तो आज हम करेंगे यहाँ से, तो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने ने किया था, तो यवन शासकों ने किया था दोस्तों। सर्वप्रथम भारत के संबंध किससे थे, बर्मा, मलाया, जावा और कंबोडिया। कभी कभी पूछ लिया जाता है आपसे कि किसके साथ संबंध थे, हो सकता है आपको इनमें से ऑप्शन में से कोई एक उठा के दे जाए, और तीन ऑप्शन ऐसे दिए जाएँ जो इनसे इंक्लूड ना हो, और आपसे पूछा जाए किससे संबंध थे। तो इनमें से अगर नाम आपको कोई भी दिखेगा ऑप्शन में, तो आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा, मतलब चेक कर दीजिएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसे तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं, किस शासक से संबंधित है, कलिंग राजा खारवेल से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछ लिया जाता है, कई बार आपको ये ऐसे ही पूछ लिया जाएगा, कभी कभी ये ऑप्शन में यहाँ पे दे दिया जाएगा, पूछेगा कि कलिंग राज खारवेल के कौन सा अभिलेख है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख है, ठीक है दोस्तों। प्राचीन शहर तक्षशिला किन दो नदियों के बीच था, सिंधु और झेलम। ईरान से भारत आर्यों के आने की सूचना कौन से अभिलेख से मिलती है, बुंगाश कोई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है ये तो। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा है, अथर्ववेद में कहा है दोस्तों। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन था, मैक्स मूलर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है दोस्तों। कौन सा लेखक वेदांग ज्योतिष के नाम से प्रसिद्ध है, लगत। किस ग्रंथ में पुरुष मेघ शब्द का प्रयोग हुआ है, शतपथ ब्राह्मण, इंपॉर्टेंट है ये भी। नचिकेता और यम के संवाद कौन से उपनिषद में है, काटोपनिषद। प्राचीन शहर तक्षशिला किन दो नदियों के बीच था, सिंधु और झेलम। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार पूछा गया है। आर्य सब जब भारत आए तो सर्वप्रथम किस राज्य में जाकर बसे, पंजाब। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वैसे तो ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप खुद देख लीजिएगा, जब आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में कितने नहीं। और अगर आपने मेरी क्लासेस को पूरी अटेम्प्ट की है, मेरी वीडियो एंड तक देखी होंगी, तो आप जरूर एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट, वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के के किस शासक के संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है, समुद्रगुप्त। देखो दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है कई बार। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, इपिग्राफी। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसने की, बद्रायण ने। वैदिक काल में कितने महाकाव्यों का जिक्र है, महाभारत और रामायण। देखो दोस्तों, मैंने ये आपको पहले भी बताया है कि दो ही महाकाव्य हुआ करते थे वैदिक काल के, जिसमें से महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य माना गया है, उसे जय संहिता भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपकी रिविजन हो गई है, वैसे मैं करा चुकी हूँ क्वेश्चन। उत्तर वैदिक काल में किस नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया, कौशाम्बी। किस वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है, यजुर्वेद में। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है, देखो दोस्तों वंश से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, मतलब फेवरेट क्वेश्चन है ये तो एग्जामिनर के, तो इसलिए मैंने सारे वंश एक साथ ही लिखी ताकि आपको याद करने में कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है ना। तो मौर्य वंश। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है, आंध्र सातवाहन वंश। वायु पुराण किस वंश से संबंधित है, गुप्त वंश। कौन सा सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है दोस्तों, तो वो है आपका पृथ्वी सूक्त। और दोस्तों एक बात मैं इसके बारे में और बता दूं आपको, जो ये आपका पृथ्वी सूक्त है ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें ही मानव संबंधी जितनी भी
मानव के जीवन संबंधी सभी पक्षों का वर्णन इसी में मिलता है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपने पढ़ा होगा जादू टोना, रोग निवारण, ये वशीकरण, औषधियाँ, ये सब किससे रिलेटेड है? इंसान के जीवन में ही तो होती हैं सब चीजें, और वो किसमें मिलता है? उसका वर्णन इसी में मिलता है। योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल। देखो दोस्तों, ये तो आपका भी डी रिप्लेस भी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था एमसीडी में। नेक्स्ट, न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं कर्णाद या उलुक, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं जैमिनी, और ऋग्वेद में सर्वाधिक किस नदी का उल्लेख हुआ है? सिंधु, सॉरी उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं बद्रायण। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना, आपका जो ऋग्वेद था ना आपका, इसमें सबसे ज़्यादा अगर आपसे जिक्र पूछा जाए किस नदी का जिक्र हुआ है, तो सिंधु नदी का दोस्तों सबसे ज़्यादा जिक्र हुआ है, और सबसे पवित्र नदी माना गया है इन्होंने सरस्वती को। ठीक है ना दोस्तों, और गंगा नदी का इसमें एक बार जिक्र हुआ है, और यमुना नदी का इसमें शायद 3 बार जिक्र हुआ है। तो ये भी वैसे इतना तो नहीं पूछा जाएगा, डीप एग्जाम में इतना तो नहीं जाएगा, लेकिन ये पूछ लेगा कि कौन सी पवित्र नदी है और किस नदी का जिक्र ज़्यादा हुआ है, तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो उठाता है ज़्यादातर। नेक्स्ट, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? एक उत्तम व्यक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आया ये कई बार। ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? सप्त सैंधव प्रदेश में। ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की उपासना करते थे ज्यादातर। तिलक आर्यों का मूल स्थान मानते थे? आर्कटिक प्रदेश। आर्य अनार्य युद्ध का वर्णन मिलता है वेदों में। पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण किसका होता था? सभा और समिति का। दोस्तों मैंने पहले ही बताया था ना आपको, जो ये सभा और समिति है ना, इसको अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां कहा है। ठीक है ना, तो ये भी आप हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाते हैं पेपर में। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्रियाओं में मुख्य था कर्मकांड। मैक्स मूलर नामक विद्वान किसके लिए प्रसिद्ध था? वेदों के अध्ययन के लिए। ठीक है दोस्तों, वेदों का अध्ययन किया था इसने। पतंजलि का संबंध किस रचना से है? महाभाष्य। आर्यों के बारे में किसके लेख प्रसिद्ध हैं? बाल गंगाधर तिलक के। शहरी जीवन का पतन हुआ था ऋग्वेद सभ्यता में ही, शहरी जीवन का पतन हो गया था क्योंकि ग्रामीण सभ्यता आ गई थी दोस्तों, ग्रामीण सभ्यता अपना ली थी। पैतृक परिवार किस युग में थे? आपके उत्तर वैदिक युग में। वैदिक युग में मना का क्या अर्थ होता है? धन। भाग और बलि किससे संबंधित है? राजस्व के साधन है। प्राचीन साहित्य में वर्णित विवाहों के प्रकार कितने थे? 8 प्रकार के विवाह होते थे दोस्तों। 1400 ईसा पूर्व का एशिया माइनर का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है किस स्थल पर पाया गया है? बोंग कोई। और एक बात और मैं आपको बता दूं इसी क्वेश्चन के साथ, तो जो आर्य थे ना उनका मूल निवास स्थान भी आपका एशिया माइनर ही माना जाता है, तो ये भी आप याद रखना इसके साथ साथ। कौन सी भाषा इंडो आर्यन भाषा से संबंध रखती है? पर्शियन। अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन निम्न में से किस में मिलता है? वेदों में, उपनिषदों में, धर्मसूत्रों में, स्मृतियों में। देखो दोस्तों इसके मैंने ऐसे में पॉइंट्स डाल दिए ना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपका ट्रिकी है। आप बोलोगे वेद भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, क्योंकि सारे एकदम मतलब लगा लो कि वैदिक काल के ही ऑप्शन है, तो इसमें उपनिषद इसका राइट आंसर होगा। अनुलोम एवं प्रतिलोम किससे संबंधित है? ये एक विवाह के स्वरूप है, इस रूप में विवाह होता था। प्रतिलोम विवाह आई थिंक कहते हैं जो वैश्य होता है वो किसी शूद्र लड़की से विवाह कर लेता है, वैश्य का लड़का, तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। ठीक है ना, अनुलोम का होगा शायद एक ही उसमें सेम उसमें करना लास्ट में रिलीजन्स में। आत्मा के आवागमन की परिकल्पना सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? ऋग्वेद में। बोंग कोई अभिलेख में किन वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है? सर्वप्रथम तो इंद्र, फिर वरुण, फिर नासत्य, फिर मित्र। सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? विश्वामित्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट, ऋग्वेद का एक संपूर्ण मंडल किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? सोम। किस पुरोहित का कार्य यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करना है? ब्रह्मा। वैदिक युगीन इतिहास का प्रधान स्रोत है श्रुति। मिताक्षरा की रचना किसने की? संत विज्ञानेश्वर ने। सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्के को कहते हैं निष्क। ऋग्वेदिक काल में कौन सा यज्ञ राजा के राज्याभिषेक के लिए प्रचलित था? राजस्व यज्ञ। जनक के दरबार में गार्गी ने चुनौती किसको दी थी?
यज्ञवल्क्य को ऋग्वेदिक काल में प्राय कर का भार किस समुदाय पर था? वैश्य समुदाय पर। समाज के चतुर्विध वर्गीकरण का विचार प्राप्त होता है ऋग्वेद के केशिन सूक्त में। सोम पेय का संबंध किस वैदिक यज्ञ से था? अग्निष्टों अग्निष्टों में। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? शुल्व सूत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये तो कई बार पूछा गया है, इसको तो आप स्टार बना लीजिएगा। उपनिषदों का संकलन कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व पहले। यजुर्वेद के किन दो भागों में बांटा गया? यह तो यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अथर्ववेद की रचना किसने की थी? अथर्व ऋषि ने, इसीलिए इसके नाम पर अथर्व ऋषि आता है। और दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, जो ये शुल्व सूत्र मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका संबंध ज्यामितीय से है, ये भी याद रखना। ज्यामितीय सब्जेक्ट है, जो विषय होता है उससे संबंधित है दोस्तों, ठीक है। और जो ये मैंने बताया था आपको, वेद भी मैंने बताया, तो वेद में एक चीज और आप एंड में मैं बता रही हूँ, याद कर लेना। सबसे प्राचीन वेद आपका है आपका ऋग्वेद, और सबसे नवीन वेद आपका माना जाता है अथर्ववेद। तो इसी के साथ आज की क्लास हमारी समाप्त होती है दोस्तों। आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है दोस्तों, और अगर आपको लगता है आने वाले एग्जाम में मैं आपको मेरी ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आज ही बता दूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये टॉपिक महाजनपदों का उदय, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इसको अच्छे से कराने वाली हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ मेरी वीडियो के साथ हमेशा बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।